एनीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज के अंदर होता है। इस प्रोटीन का काम ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती है। मेल में ये वैल्यू 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, जबकि फीमेल्स में ये वैल्यू 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अगर किसी मेल में हीमोग्लोबिन लेवल 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रहा हो तो वो मेल एनीमिक होगा। अगर ये वैल्यू फीमेल्स में 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रही हो तो वो फीमेल भी एनीमिक होगी। काजेज ऑफ एनीमिया। एनीमिया होने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि पेशेंट के बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी हो, या फिर पेशेंट का बोन मैरो हाइपोप्लास्टिक हो, या पेशेंट रिनल फेलियर का हो। क्योंकि रिनल फेलियर के पेशेंट में एक हार्मोन रिलीज नहीं होता जिसे एरिथ्रोपाइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपाइटिन मेन रोल प्ले करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन में। या फिर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी काज हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी के अपने ही इम्यून सेल्स आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। बोन मैरो डिफेक्ट के अलावा दूसरे काजेज में पेरिफेरल काजेज भी आते हैं, जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस, हीमोलिसिस और हाइपरस्प्लीनिज्म। स्प्लीन वो ऑर्गन है बॉडी में जहाँ नॉर्मली ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन हाइपरस्प्लीनिज्म में ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी एनीमिक हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया में फिटीक, ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशंस, हेडेक, एंकल स्वेलिंग एंड वर्सिंग ऑफ स्कीमिक कंडीशन सच एज एंजाइना। एंजाइना में बेसिकली पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर एंजाइना के साथ साथ पेशेंट एनीमिक भी हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई और भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। साइंस ऑफ एनीमिया में ट्रकीपीनिया, ट्रकीकार्डिया, रेस जुगुलर विनस प्रेशर, एंकल एडिमा, पोस्टल हाइपोटेंशन एंड फ्लो मर्मर्स आते हैं। अब हम आते हैं एनीमिया की टाइप्स पे। एनीमिया की टाइप्स मीन सेल वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। नॉर्मल मीन सेल वॉल्यूम 76 टू 96 फेमिटोलीटर होता है। मीन सेल वॉल्यूम की बेसिस पर एनीमिया की थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में मीन सेल वॉल्यूम 76 फेमिटोलीटर से कम होता है। एग्जाम्पल्स में आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, थैलीसीमिया एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया के बाद नॉर्मोसिटिक एनीमिया आता है। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में मीन सेल वॉल्यूम 76 टू 96 फेमिटोलीटर के दरमियान में होता है। एग्जाम्पल, एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, बोन मैरो फेलियर, रिनल फेलियर, हीमोलिसिस एंड प्रेगनेंसी। नॉर्मोसिटिक एनीमिया के बाद मैक्रोसिटिक एनीमिया आता है जिसमें मीन सेल वॉल्यूम 96 फेमिटोलीटर से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स में विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, लिवर डिजीज, साइटोटॉक्सिक्स सच एज हाइड्रोक्सी कार्बामाइट, मैरो इन्फिल्ट्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म एंड एंटी फोलेट ड्रग्स सच एज फेनिटोइन। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। एनीमिया की डायग्नोसिस ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल पे ही हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक काज मालूम करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं,
जिसमें आयरन स्टडीज, रेटिकुलोसाइट काउंट, पेरिफेरल स्मेयर, विटामिन B12, फोलेट लेवल एंड बोन मैरो बायोप्सी की जाती है ताकि एनीमिया होने की असल वजह सामने आ सके और इसकी एग्जैक्ट काज मालूम हो सके। डायग्नोसिस के बाद अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड करता है कि एनीमिया कौन से टाइप का है। अगर एनीमिया अक्यूट है ब्लड लॉस की वजह से, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अप टू 80 ग्राम पर लीटर। अगर क्रॉनिक एनीमिया है तो हम पहले उसका काज को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर एनीमिया के साथ साथ पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट फेलियर और एंजाइना, तब हम ऐसे पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ पैक्ड सेल वॉल्यूम विद 10-40 mg फ्लूसामाइड देंगे। Thanks for watching. Please like, share the video with your friends and also subscribe to my channel for more updates and click on the bell icon to get notified whenever I upload our new videos.